Okay, again welcome in class 9th physics, and the chapter is motion, which is our first chapter, and this is the last topic of the chapter motion. Okay, and what is the last topic? The last topic is motion of equation of motion for a uniform accelerated motion. Okay, equation of motion, this three equation of motion is very important for kinematics. Kinematics means this is a branch of physics which deals with the study of motion. Okay, so in this, first we discuss graphical method. What is the graphical method? आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने पढ़ा है. ठीक है, सो उस ग्राफ का यूज करके आपको थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ बॉडी विच इज इन मोशन. एक बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जो मोशन में है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, और इसी ग्राफ के बेसिस पर मैं तीनों इक्वेशन आपको डिराइव करके बताऊंगा. ठीक है, और वो तीनों इक्वेशन आपको याद रखना है. वो इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ग्राफिकल, जब आप भी किसी भी ग्राफ का जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी आपको वो हेल्प करेगी. So before going to start the derivation, first of all you must remember there is some notation, which is first u, small u is the initial velocity of a body. Small u is what? It is the initial velocity of a body. Okay, v is the final velocity of a body. V kya hai? Final velocity hai. And a is the एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, और ए क्या है? एक्सेलरेशन है, और स्मॉल टी जो है वो क्या है? टाइम इंटरवल है. ठीक है, अब आप देखिए इस ग्राफ में, ये ग्राफ है, इसमें टी इक्वल टू जीरो पर, ये देखिए टाइम यहाँ पे क्या है, टी इक्वल टू जीरो है, फिर धीरे 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 टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो इस टी इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? यू है, स्मॉल यू है. ओके, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट टाइम t इक्वल टू जीरो. अब आप देखिए जैसे 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 टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, उसकी वेलोसिटी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद में धीरे 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 टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, लीनियरली इंक्रीज हुई है. इसका मतलब वहां पे कुछ एक्सेलरेशन हुआ है, और एक्सेलरेशन कैसा है, एक जैसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, अब ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसको हम स्मॉल a से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप देखिए एट t टाइम, जो t टाइम है, ये t टाइम, इस टाइम पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, v है. उस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, v है. ठीक है, v है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, अब देखिए ये यहाँ जीरो है, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितनी डिस्टेंस है, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं. ये जो डिस्टेंस या जो ये लेंथ है, ये क्या है, स्मॉल यू है. फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, वी है. कितना है, इस एंड पॉइंट तक क्या है, वी है. ठीक है, उसके बाद आप देखिए जब ये यहां से लेके यहां तक u है, ये यहां से लेके यहां तक v है, तो ये पोर्शन जो बचा हुआ है कौन सा, an, an कितना होगा, v माइनस u होगा, होगा ना. अब देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक v है, ये यहां से लेके यहां तक u है, तो ये कितना बचा हुआ है, v माइनस u. ओके, ये v माइनस u है. ठीक, तो ये जो v माइनस u है, इसका हम यूज करेंगे आगे, आप देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप इस ग्राफ को बना लीजिए, एंड You must write some representation, okay? Okay, let's start derivation of first equation of motion. Okay, first equation of motion को हम start करते हैं. ठीक है,
इस ग्राफ में आपको देखना है एक्सेलरेशन इज व्हाट स्लोप ऑफ लाइन ए बी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये स्लोप, ये लाइन है ए बी, इसका जो स्लोप होगा वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, आप पहले ग्राफ में कर चुके हैं, बी एम अपॉन ए एम। ओके, तो बी एम अपॉन ए एम। ठीक है, अभी जो बी एम है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये बी पी जो डिस्टेंस है इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, ये लिखा मैंने बी पी माइनस एम पी, बी पी माइनस एम पी, ये मतलब इस पूरे में से आप इतने को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए बी पी कितना है, वी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी है, और ये कितना है, यू है, तो लिखा वी माइनस यू अपॉन ए एम। अब ए एम देखिए, ए एम यहां से लेके यहां तक क्या है, टी है, ये डिस्टेंस कितनी है, टी है, तो ये भी क्या होगी, टी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लिख लीजिए, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या है, टी है, ये क्या है, टी है, और ये नीचे वाली ये भी क्या है, टी है। ठीक है, ये टी है तो ये भी टी होगी पैरेलल लाइंस। ठीक, तो देखिए यहां से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस यू अपॉन टी। अब आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें और इसको उधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज व्हाट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट निकालना हो आपको या डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पर एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी। ग्राफ में देखिए ओ ए बी पी, ये पूरा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज जिसको बोला जाता है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर आपने उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो वो जो रिलेशन आएगा वही वही क्या होगा, हमारी सेकंड इक्वेशन की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको एस से मैंने रिप्रेजेंट किया। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी, किसी भी ट्रेपेजियम का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड्स। ओके, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड्स, तो देखिए 1/2 एस इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये है, कौन कौन से देखिए, एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है पूरी। ठीक है, ये सब ये ट्रेपेजियम इस तरीके का होता है, ये इस तरीके से आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, तो एक तो ये पैरेलल है और ये दूसरी उसके क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा ओ ए, ओ ए प्लस बी पी या पी बी आप बोल सकते हैं, इंटू एल्टीट्यूड्स कितना है, एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, ये हाइट उसकी, ये हाइट। ठीक है, तो ये हाइट क्या है, या तो आप उसको ओ पी लिखें या ए एम लिखें। ठीक है, तो ये ओ पी लिखा हुआ है। अब देखिए 1/2 ओ ए कितना है, यू है, क्लियर है, यहाँ पे देखिए ओ ए कितना है, यू है, और ये पी बी कितना है, वी है, तो यहाँ पर वी वैल्यू यू प्लस वी इंटू टी, ओ पी कितना है, टी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, ये इक्वेशन है आपकी ये वाली, ये यहाँ से t की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से मैं अगर t की वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, v माइनस यू अपॉन ए, ए नीचे आ जाएगा टी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे रखना है। देखिए s इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी था, वी की जगह आप यू प्लस ए टी रख लेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर रख लेंगे और ये टी टी है सही ओ पी की वैल्यू। ओके, नाउ 1/2 एस इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस यू इज 2u प्लस ए टी, सेम ईयर
into t. Okay, now 1 by 2 and multiply t in whole equation, so u 2 u t plus a t square, a t square जब हम t का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 से a 2 कट जाएगा एंड 1 by 2 a t square, सो यहाँ पे क्या बचेगा u t plus 1 by 2 a t square, this is our second equation, this is the second equation, please write, very important relation, okay। Okay, derivation of third equation, same way, displacement of the body in time t equal to what, area of trapezium OABP, okay, तो जो displacement होगा वही हमको इसका trapezium का जब area find कर लेंगे तो पता वो मिल जाएगा, ठीक है। तो trapezium का area हम कैसे find करेंगे, s equal to 1 by 2 sum of the parallel sides into altitudes, okay। तो 1 by 2 parallel sides कौन कौन सी है, OA plus BB, OA plus PB, ठीक है, ये OA और ये PB, ठीक है, ये क्या है U plus V और OP कितना है T है, देख लीजिए आप ग्राफ में OP कितना है T है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने डिराइव करी है फर्स्ट में उसकी वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस v अपॉन a, आप इक्वेशन देखिए v इक्वल टू u प्लस at, वहां से आप t निकाल लीजिए और t यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया v माइनस u अपॉन a। नाउ s इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 2 v स्क्वायर u माइनस u स्क्वायर अपॉन a, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये क्यों हुआ, ठीक है, एक क्या है a प्लस b इंटू a माइनस b, आइडेंटिटी है मैथ्स में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया v square minus u square upon a, ठीक है। तो ये 2a हो गया, यहाँ से आप v square minus u square equal to 2a, this is the third equation of motion, what, this is the third equation of motion, okay। तीनों equation हमने derive कर ली है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, इस derivation को पढ़िए समझिए, और तीनों equation आपको याद करना है, by heart करना है, और इनका derivation भी आपको समझना है graphical method से, okay। Now, this is the last topic of this chapter, and mostly we covered all the topic. One more thing, only uniform circular motion is remaining, okay? So, don't worry about it, this is the first chapter. 95% it will be finished, okay. Now I will provide a PDF for the solution of NCERT question, okay. NCERT question के लिए मैं आपको एक PDF provide करूँगा, जिस पहले आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, फिर उन NCERT question को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, okay.